राम राम भाई सभी को। आप सब खैरियत से होंगे। आज यार मैंने एक पक्षियों के लिए कुछ सोचा है। सब वैसे तो करते ही ऐसा। ये देखो भाई, पेड़ों की टहनियों में इन्होंने घोंसले बनाए। अब जैसे हवा आती है तो ये उड़ जाते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक वायर लेके सारों को इकट्ठा करके बांध दिया ताकि अब ये नहीं गिरे। यहाँ पे वैसे बहुत बना दिए हैं। एक ये रहा, अगर आपको दिख रहा है तो ये रहा भाई, देखो ऊपर दिख रहा है थोड़ा। एक ये रहा, ये देखो भाई, इन्होंने टहनियों में जहाँ जगह मिलती है बेचारे बना देते हैं। इनको क्या पता गिरेगा कि नहीं। लेकिन फिर मैंने वायर से यहाँ देखो, यहाँ पे ये सारी टहनियों को एक साथ बांध दिया ताकि डूले नहीं और गिरेगा नहीं। यहाँ पे तो भाई बहुत पेड़ है, तो कहीं पे भी वो घोंसला बना देते हैं, अंडे दे देते हैं। लेकिन मैंने सोचा फिर अगर नहीं है ऐसी जगह जहाँ पे पेड़ कम है, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे कम लोगों ने काट दिए, तो वहाँ पे कैसे बनाते हैं। हमारे तो देखो भाई, यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरे लगाए हुए हैं। ऐसी जगह पे तो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन ऐसी ऐसी जगह है जहाँ लोगों ने बिल्कुल ही पेड़ काट दिए, तो फिर वहाँ पे तो प्रॉब्लम। उनके लिए भी एक, ये देखो भाई, ऐसे बॉक्स हमारे कुछ भी सामान लाते हैं उनके, बहुत सारी चीज़ों में से बॉक्स आते हैं। तो उन पे क्या करना है पता है, ऐसे वायर लगा के कहीं पे भी लगा देने, तो इसमें आराम से घोंसले बना सकते हैं। यहाँ तो है पेड़ ज़्यादा ही है, कोई टेंशन नहीं। फिर भी मैंने सोचा ये भी लगा देता हूँ। ये देखो भाई, लगा दिया। इसमें भी अब थोड़े टाइम बाद देखना, एक ना एक घोंसला ज़रूर बनाएगा कोई ना कोई पक्षी आकर इधर। तो ऐसे यार जहाँ पे पेड़ पौधे कम है वहाँ लगा देने चाहिए सबको। भाई यार ज़रूरी नहीं कि हम कुछ बड़ा करेंगे तभी सेवा होगी। आप छोटी छोटी चीज़ें करके भी सेवा कर सकते हैं। बस दिमाग में ऐसा आना चाहिए कि ये हमें करना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनकी सेवा कर सकते हैं छोटे छोटे काम करके भी। तो भाई यार ऐसा आपको भी करना है। अगर पेड़ पौधे कम है आपके, वहाँ पे लग रहा है आपको, तो वहाँ ऐसे लगा देने। आप वैसे भी ये क्या काम आएंगे, या तो जला देंगे बाहर फेंकेंगे, इससे अच्छा है इनके काम आ जाएगा। तो यार अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।